हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी के ट्रिक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 16 महाजनपद के बारे में। तो ये टॉपिक हमने सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आगे जब मैं हिस्ट्री की वीडियो डालूंगा उसमें प्राचीन इतिहास की जितनी भी वीडियो आएंगी उसमें आपको ये जो 16 महाजनपद है इनके नाम देखने को मिलेंगे। तो वहां आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको पहले से ये सारे जनपद अच्छे से समझा दूंगा। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट वगैरह भी देख लेंगे, साथ ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और उस समय में कौन कौन सी शब्दावली वगैरह यूज की जाती थी वो आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी। और लास्ट में मैंने इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटिव पूछे गए हैं। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर ये पूछे जाते हैं किस महाजनपद की क्या राजधानी है, और भी पूछे जाते हैं वो आपको वीडियो देखते देखते पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो 16 महाजनपद है ये 16 महाजनपद का उल्लेख आखिर कौन से ग्रंथ में मिलता है। देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, ये इस अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख हमको मिलता है। देखिए, ये जो काल था महाजनपद का काल था ये लोह युग था, ठीक है, लोह युग, इसको आयरन एज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो समय था ये 6th century से लेके 4th century BCE तक था, मतलब कि ईसा पूर्व तक था। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिकन और मोनार्कीज, मतलब कि राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों टाइप की यहाँ की गवर्नमेंट थी। और यहाँ पे जो भाषा चल रही थी वो प्रमुख थी प्राकृत और संस्कृत। और यहाँ का जो रिलीजियस था, धर्म था उस समय, वो था वैदिक हिंदुइज्म। इसके बाद एक जैन ग्रंथ और है, वो है भगवती सूत्र। देखिए, जो भगवती सूत्र है इसमें भी जो 16 महाजनपद का उल्लेख मिला हुआ है, इसको लिखा था सुधर्मा स्वामी जी ने। इससे रिलेटिव इफेक्ट और है, जैसे कि जो श्रीमद भगवती सूत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा 36,000 प्रश्नोत्तरी ऐतिहासिक वाला ग्रंथ है। देखिए, इसमें क्या करा है, स्वयं भगवान महावीर है, उन्होंने गौतम स्वामी की जो जिज्ञासा है उसका संपूर्ण समाधान किया है। और इसमें जो बज्जी संघ है, बज्जी महाजनपद था, उस पर मगध के आक्रमण का वर्णन भी मिलता है। यहाँ पर जो है ना, आप आधा जा कर देना, ठीक है, बज्जी, और ये आकर डंडा हटा दे रहा है, ठीक है, तो वो मिस्टेक हो गया है। तो जो बज्जी है, बज्जी संघ पर जो है मगध के आक्रमण का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है भगवती सूत्र में। तो इतना तो आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ये अक्सर एग्जाम में इस रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको आप ध्यान रखना। चलिए, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि जो महाजनपद है ये महाजनपद होता क्या है और ये महाजनपद कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो महाजनपद की सबसे बेसिक यूनिट रहती है वो होती है कुल, जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, ठीक है, फैमिली यानी कि परिवार। देखिए, परिवार से ही धीरे धीरे करके हम लोग महाजनपद के लेवल पर आएंगे। देखिए, जो उस समय महाजनपद के काल में जो फैमिली का प्रमुख हुआ करता था उसको हम लोग कुलप बोलते थे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाता है कि फैमिली का जो प्रमुख था उसको क्या बोलते थे, वो बोलते थे कुलप, ठीक है। उसके बाद बात करें, जो फैमिली का बहुत सारा ग्रुप मिलकर क्या बनाता था, एक विलेज बनाता था, मतलब कि ग्राम बनाता था। और ये जो ग्राम का प्रमुख होता था उसको बोलते थे ग्रामीणी, ठीक है, उसको आप ध्यान रखना। अब क्या होता था, बहुत सारे ग्राम मतलब कि बहुत सारे विलेज मिलके एक विश बनाते थे, विश को हम लोग क्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो विश बनाते थे उसका जो हेड होता था यानी कि उसका जो प्रमुख होता था उसको विशपति कहा जाता था, ठीक है। ग्राम यूनिट ऑफ मेक वन विश, मतलब कि देखिए क्या था, जो ग्राम का ग्रुप मिलके क्या बनाता था, विश, और इसका जो प्रमुख होता था विशपति। देखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा आप लोग। और जो विश का ग्रुप होता था इनको मिलके बोलते थे जना यानी कि प्यूपल, और प्यूपल का जो मतलब प्रमुख होता था वो गोपा या गोपति कहा जाता था, ठीक है, इसको आप ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे प्यूपल मिलके क्या बनाते थे, एक राष्ट्र बनाते थे, ठीक है, उनका ग्रुप मिलके क्या बनाता था, एक राष्ट्र। और राष्ट्र जो है हम लोग कंट्री को बोलते हैं, आप लोग को मालूम ही है। और इसका जो प्रमुख होता था वो राजा हुआ करता था, ठीक है। अब हम लोग बात करें, जो ऋग्वेदिक काल हुआ करता था उस समय, जो वैदिक रिलीजियस हुआ करता था उसमें जो राजा थे वो रिपब्लिक भी थे, और राजा का जो पद होता था वो रिपब्लिक भी होता था और मोनार्किकल भी हो जाता। अब यहाँ पर आपको एक शब्द समझना है, ये रिपब्लिक और मोनार्किकल आखिर होता क्या है। देखिए, मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगा, आपने बहुत सुना होगा। देखिए, रिपब्लिक वो है, आपने Super 30 मूवी आई थी उसमें सुना होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो वो हकदार वाला जो सिस्टम आता है वो आपके रिपब्लिक में आता है। और मोनार्की में क्या क्या आता है कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। मतलब कि क्या होता है, उस समय जो वंशानुगत व्यवस्था थी, लेकिन रिपब्लिकल में वंशानुगत व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। जो हकदार होता है वही उसी को उच्च पद पर दिया जाता था। जैसे कि हमारा इंडिया अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक राज्य है, प्रजातांत्रिक राज्य है, यानी कि प्रजातांत्रिक हमारी कंट्री है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति का सिलेक्शन होता है या जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है
वो चुनाव के द्वारा होता है, ठीक है, या तो उनका जो अगली जो पोस्ट आती है उनकी वंशानुगत द्वारा नहीं आती है, यानी कि उनका बेटा ही जाके वो पोस्ट में नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये जो होता है रिपब्लिक होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो 16 महाजनपद का काल था उसमें कुछ 10 रिपब्लिक वंश थे, जिसमें से प्रमुख लिच्छवी, शाक्य और भागा वंश कहलाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे वंश की बात कर रहा हूँ, महाजनपद की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन कौन से महाजनपद रिपब्लिक थे और कौन कौन से मोनार्कियल थे, यानी कि कौन कौन से गणतंत्रात्मक थे और कौन से राजतंत्रात्मक थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वंश की बात कर रहा हूँ जिसमें प्रमुख कौन थे, लिच्छवी, शाक्य और भागा, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद ये जो है आपको टोटल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारे 16 महाजनपद, जिसमें मैं आपको बता दूँ 1 से लेके आपको 13 तक के जितने भी महाजनपद दिख रहे हैं ये पूरे थे राजतंत्रात्मक। और जो नीचे के 3 दिख रहे हैं आपको, अश्मक, बज्जी और मल्ल, ये जो तीनों थे ये जो थे प्रजातंत्रात्मक थे, मतलब कि रिपब्लिक महाजनपद थे। तो इसको आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिपब्लिक महाजनपद कौन से थे और मोनार्कियल कौन से थे, राजतंत्रात्मक कौन थे और प्रजातंत्रात्मक कौन थे, तो इनको आप ध्यान रखना। तो इनको आप ये मैप में भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनके एक एक डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनसे रिलेटिव क्या क्या फैक्ट है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं, देखिए इनको याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको एक बार मैप में ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसी वीडियो में हम लोग जो है 3-4 बार इनके नाम देख लेंगे तो आपको अपने आप ही इस वीडियो में याद हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं कुछ प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, उससे आपको याद हो जाएंगे और क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे ना तो परफेक्ट आपके माइंड से ये कहीं पर भी नहीं जाएंगे और एग्जाम में आप 100% इसको लगा कर आ जाएंगे। देखिए यहीं पर पहले हम लोग इनकी राजधानी देख लेते हैं और प्रेजेंट लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इनके बारे में तो कुछ फैक्ट भी बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं जो अंगा की राजधानी क्या थी, वो थी चंपा। देखिए यहाँ पर अंडा लिखा है थोड़ा सा, क्या ये जो मैप है बंगाली वाला मैप है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। और अगर वर्तमान में इसकी लोकेशन बताएं तो ये है मुंगेर भागलपुर में, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग जो मगध है, मगध की राजधानी थी ग्रीवज राजगृह, और जो कि गया पटना पर है। इसके बाद काशी की जो राजधानी थी वो काशी थी, इसको वाराणसी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बनारस बोलते हैं अभी प्रेजेंट में, क्या बोलते हैं इसे, बनारस। इसके बाद बात करते हैं वत्स की जो थी वो कौशाम्बी, और जो कि इलाहाबाद में स्थित है। कोशला की है सरावस्ती, जो कि ईस्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुरसेना की कौन सी है, मथुरा, जो कि मथुरा में स्थित है प्रेजेंट में। पंचाला की है अहिछत्र और कंपीलिया, जो कि वेस्ट उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कुरु की जो है इंद्रप्रस्थी, जो कि मेरठ और हरियाणा में स्थित है, साउथ ईस्ट हरियाणा। उसके बाद बात करें हमारे मत्स्य, जो कि विराटनगर उसकी राजधानी थी, जो कि जयपुर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं चेरी, इसका नाम चैत्य भी है बोला जाता है इसको, तो इसकी जो थी सोतीबती बांदा, जो कि इसकी कैपिटल थी बुंदेलखंड राज्य, वर्तमान में जो बुंदेलखंड है वहाँ पर इसका एरिया आता है। उसके बाद 11वां आता है अवंती, जो कि उसकी राजधानी थी उज्जैनी माहिष्मती, जो कि मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र में आती है, ठीक है। इसके बाद बात करें जो गंधार जो कि तक्षशिला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये रावलपिंडी के आसपास आती है। अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम लोग इसके नाम देख रहे हैं। कम्बोज, जो कि पूंछा में स्थित है, जिसकी पूंछा जिसकी राजधानी थी, और आज के जो कश्मीर है राजौरी और हजरा वहाँ पर स्थित है। इसके बाद बात करते अश्मका, इसको हम लोग अशाका भी बोलते थे, ठीक है। तो ये प्रतिष्ठानम या पाइथन जो है इसकी राजधानी थी और बैंक ऑफ गोदावरी में स्थित है। इसके बाद बज्जी की बात करें, बज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, और वैशाली जो कि वर्तमान में बिहार में वैशाली एक जिला है वहाँ पर भी स्थित है उसी के आसपास। मल जो कि कुशी नारा जिसकी राजधानी थी, और डियोरिया और उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। तो ये टोटल 16 महाजनपद हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ सकेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंग जो महाजनपद था उससे, ठीक है। जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल भी दिखेगा और यहीं से लगता हुआ दिखेगा आपको बिहार, तो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से इसकी जो है सीमा लगती थी, और वर्तमान में आपको जैसे कि दिखा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में इसको ये स्थित था, ठीक है। और बात करें तो ये आधुनिक में क्या है, मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित है। और अंग महाजनपद का जो संदर्भ है, मतलब इसके बारे में आपको महाभारत और अथर्ववेद में भी इसके बारे में उल्लेख मिलेगा। देखिए जब बिंबिसार का शासन था उसके शासन के दौरान इसमें मगध साम्राज्य द्वारा ले लिया गया था, मतलब यहाँ पर जो था शासन बिंबिसार का था लेकिन मगध साम्राज्य द्वारा उसे क्या कर लिया गया, ले लिया गया था, ठीक है।
तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। इसके बाद अगला हमारा देखते हैं, अगला आता है हमारा मगध। देखिए ये जो मगध था ना, ये पूरे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये महाजनपद इसलिए था, देखिए आप लोग ने सुना हो चंद्रगुप्त मौर्य और फिर अशोक के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने क्या करा था, पूरे भारत में विजय पाली थी, लगभग पूरा भारत उन्होंने कवर कर लिया था। और वो जो उनका सबका उदय हुआ था, देखिए घनानंद वंश, नंद वंश भी आपने सुना होगा, पुष्यभूति वंश और बहुत सारे आपने डायनेस्टी वंश वगैरह जो है वो मगध से ही उदय होते हुए देखेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मगध ही कहलाता है, मगध महाजनपद है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, वो मगध था। ओके, इसकी जो राजधानी थी वो थी ग्रीवज राजगृह। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली ईयर में कि जो इसकी मगध की राजधानी थी वो कौन कौन सी थी। देखिए एक तो ग्रीवज थी, राजगृह थी, इसके बाद पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। देखिए जो पाटलिपुत्र थी वो भी मगध की राजधानी थी, और ये जो पाटलिपुत्र को बसाया था वो उदयन ने बसाया था, ठीक है। पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र की जो स्थापना करी थी वो उदयन ने करी थी, ये आप ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, और अगर वर्तमान में इसकी स्थिति बात करें तो ये गया और पटना, बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बात करें जो मगध का उल्लेख आपको अथर्वेद में भी मिलता है और जो अर्थ ब्राह्मीण काली निवास था ये, ठीक है, ये वर्तमान में बिहार की चंपा नदी द्वारा विभाजित अनगा के करीब स्थित है। इसके बाद में जो मगध था वो जैन धर्म का केंद्र बन गया था, ये आप ध्यान रखना। और जो पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी, ठीक है, वो राजगृह में ही आयोजित हुई थी। पहली बौद्ध काउंसिल कहाँ पर आयोजित हुई थी, वो राजगृह में आयोजित हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसके बाद बात करते हैं काशी। देखिए काशी की राजधानी आप काशी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो ये बनारस में स्थित है, ठीक है। और बात करें ये जो शहर है ये वरुणा और असी नदी नाम पर इसका जो है अपना नाम मिला है, वाराणसी। वरुणा और असी नदियाँ थी, ठीक है, और इन नदियों के नाम पर इसको नाम क्या मिला है, वाराणसी, ठीक है। और इसका उल्लेख आपको जो है मत्स्य पुराण में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग वत्स के बारे में। देखिए जो वत्स था उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है, और आधुनिक बात करें तो इलाहाबाद आपको प्रयागराज, अब जो प्रयागराज बन गया है, ठीक है। जो वत्स को बामा नाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये जो वत्स है इसको बामा नाम से भी जाना जाता है। इस महाजनपद ने शासन के राजतंत्रीय रूप का अनुसरण किया था, राजतंत्रीय रूप का क्या करा था इसने, अनुसरण किया था। राजधानी कौशाम्बी थी, आपको मालूम ही है। ये आर्थिक गतिविधियों का क्या एक केंद्र शहर था। देखिए जो सेंट्रल सिटी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो यही वत्स थी, ठीक है। अगर बात करें 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व में एक समृद्ध व्यापार व व्यापार परिदृश्य, मतलब ट्रेड के लिए भी ये क्या था, फेमस था। इसके बाद बुद्ध के उदय के बाद जो शासक उदयन थे, उदयन ने बौद्ध धर्म को एक राज्य धर्म बना लिया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि बुद्ध धर्म को एक राज्य धर्म किसने बनाया था, वो उदयन ने बनाया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद जो वत्स की जो वर्तमान राजधानी है वो इलाहाबाद में, आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद बात करें हम लोग कौशल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कौशल के बारे में। तो कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, इसको आप ध्यान रखना। और आधुनिक स्थान में, आधुनिक स्थान इसका कौन सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें कि यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है और इसकी जो राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, बस इतना ही फैक्ट है इसके बारे में। इसके बाद बात करें सुरसेना के बारे में। देखिए सुरसेना की जो राजधानी थी वो मथुरा थी और वर्तमान में भी वो मथुरा ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करें आधुनिक स्थान जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करें ये जो स्थान था मेगस्थनीस के समय कृष्ण पूजा का एक केंद्र हुआ करता था और साथ ही ये बुद्ध की प्रमुख अनुयायी भी थी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करें जो पंचाला है, पंचाला उसकी राजधानी थी अई क्षेत्र कामपिलिया, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी किसकी राजधानी है और आधुनिक स्थान आपको इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तरी पंचाल के लिए इसकी राजधानी अई क्षेत्र व दक्षिण क्षेत्रों के लिए इसकी जो राजधानी थी वो कामपिलिया थी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो उत्तरी पंचाल था, ठीक है, उत्तरी पंचाल के लिए इनकी राजधानी क्या थी, अई क्षेत्र, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के लिए क्या थी इनकी, कामपिलिया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, और वर्तमान में ये कहाँ पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाद में शासन की प्रगति राजशाही से गणराज्य में स्थानांतरित हो गई थी, मतलब बाद में क्या हो गई थी, ये पहले तो ये
राजशाही थी, फिर बाद में क्या हो गई गणतंत्र में, गणराज्य में स्थानांतरित हो गई, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं कुरु, कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी, इनका उल्लेख आपको महाभारत में भी देखने को मिलता है, जो इंद्रप्रस्थ के राजा वगैरह थे युधिष्ठर वगैरह, तो आपने उनका नाम सुना होगा। देखिए मॉडर्न लोकेशन आपको मिलेगी मेरठ, और जो सदर्न ईस्टर्न हरियाणा है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और ये जो है कुरुक्षेत्र के आसपास का पूरा एरिया ये घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या हो गया था बाद में जो है गवर्नेंस से, राजशासन से फिर रिपब्लिक बन गया था, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मत्स्य के बारे में, ठीक है। जो मत्स्य की राजधानी थी वो विराटनगर थी, और वर्तमान में ये जयपुर में राजस्थान की जो राजधानी है वहाँ पर उसके आसपास स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करें ये जो स्थित है ये पंचाल के वेस्ट साइड और साउथ साइड कुरु के स्थित है, ठीक है, ये पंचाल है, पंचाल के वेस्ट साइड और साउथ साइड कुरु के स्थित है। इसके बाद इसकी कैपिटल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, और ये प्रेजेंट डे जयपुर के आसपास स्थित है। अगला हमारा आता है हमारा चेदी, जिसको हम लोग चेत्र भी बोलते हैं। इसकी जो राजधानी थी वो सोतीवती थी, और वर्तमान में ये भी जयपुर के आसपास है, और ये जो है ये सिटी ऋग्वेद के ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। और बात करें द कैपिटल वाज द सोवावती, ये बता ही चुका हूँ, इट इज़ लोकेटेड प्रेजेंट है बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, बुंदेलखंड के रीजन के आसपास जो आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अवंती, ठीक है, तो अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी थी। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो उज्जैन था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो वो अवंती था, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, और माहिष्मती भी इसका नाम था। मॉडर्न लोकेशन इसकी क्या है, मालवा और मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें अवंती जो महत्वपूर्ण था रिलेशन, अवंती वाज द सिग्निफिसेंट इन द रिलेशन टू द राइस ऑफ बुद्धिज्म। देखिए ये जो बुद्धिज्म से रिलेशन के लिए महत्वपूर्ण स्थान था अवंती, ठीक है। इसके बाद बात करें द कैपिटल, कैपिटल ऑफ द अवंती वाज लोकेटेड उज्जैनी एंड माहिष्मती, ये चीज़ मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ, इटी वाज जो मध्य प्रदेश और मालवा रीजन है उसके आसपास ये लोकेटेड है। इसके बाद बात करें गंधारा के बारे में, गंधार जो था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला में आपको मालूम है कि चाणक्य जो थे वहाँ के प्रोफेसर थे, वहाँ पर पढ़ाते थे, और वो भी वहीं पर पढ़े थे, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी जो आधुनिक स्थान है वो रावलपिंडी है, और राजधानी तक्षशिला ही है, आपको मालूम है। गंधार का उल्लेख आपको अथर्ववेद में भी मिलता है, ठीक है, युद्ध कला में जो लोग अत्यधिक प्रशिक्षित थे इसी गंधार में, ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य गतिविधियों का एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए क्या होता था, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्या करते थे इंटरनेशनली बहुत सारे देशों से यहाँ पर पढ़ने के लिए लोग आते थे, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं कंबोज के बारे में, कंबोज की राजधानी आपको दिखेगी पूंछा, और वर्तमान में आपको राजौरी और हजरा में देखने को मिलेगी, ठीक है, और ये जो है कश्मीर के, कश्मीर और हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ के आसपास ये पूरा स्थित है, ठीक है। सेवरल लिटरेसी सोर्स मेंशन डेट कंबोजा, मतलब कि बहुत सारे सोर्स हैं उनमें ये जो बताया गया है कि जो कंबोज महाजनपद था ये एक रिपब्लिक था, ओके। बात करते हैं अश्मक या अशाका के बारे में, देखिए पूरे 16 महाजनपद में सिर्फ एक यही महाजनपद था जो कि साउथ में स्टेट था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप ध्यान रखना। इसकी जो कैपिटल थी वो प्रतिष्ठानम या पाइथन बोला जाता है, ठीक है। मॉडर्न लोकेशन बैंक ऑफ गोदावरी, ठीक है, गोदावरी का जो पूरा गोदावरी नदी आती है उसके पूरे क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ओके। इसके बाद बात करें, ये बस इतना ही इसका प्रमुख था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं बज्जी के बारे में, ठीक है। जो बज्जी, इसको बंगला में विरजी भी बोला जाता है, इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी, जो कि पटना में ही स्थित है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो दिखाई थी पाटलिपुत्र शब्द यूज़ करा था, तो ये जो गंगा नदी पर स्थित है इसको आप ध्यान रखना। और यहाँ पर जो हमने इंद्रप्रस्थ की बात करी थी, तो इंद्रप्रस्थ जो था वो आपको यमुना नदी में देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान रखना। तो इसकी जो मॉडर्न लोकेशन है बज्जी की वो है सिचुएशन नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा इन बिहार। देखिए रिवर गंगा के नॉर्थ साइड जो है ये स्थित है, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी, मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मल्ल के बारे में, ठीक है। तो इसकी राजधानी थी कुशीनारा, और इसकी मॉडर्न लोकेशन कौन सी है, वो देवरिया उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। इट्स फाइंड अ रेफरेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट इन द महाभारत, ये जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में भी देखने को मिलती है, इसका उल्लेख मिलता है, और महाभारत में भी आपको इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। ये एक रिपब्लिक था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और कैपिटल मैंने आपको बता दिया कुशीनेरा, जो कि प्रेजेंट डे आपको देवरिया और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हम लोग ने 16 डिस्कस कर लिए हैं, अब एक बार हम लोग आप मैप में और देख लेते हैं इनका क्या क्या रीजन था। देखिए अशमक का जो रीजन था आपको पूरा यहाँ तक का दिखेगा, ओके। इसके बाद अवंती आपको यहाँ पर उज्जैनी और माहिष्मती आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद चेदी त्रिपुरा, ये पीला वाला जो रीजन दिख रहा है वो आपको दिखेगा। उसके बाद बत्स और यहीं पर आपको काशी जो बनारस वाला रीजन, ये मगध वाला रीजन आपको। फिर अंग, बज्जी, मल, कोशला, पंचाला, सूरीसेना, मत्स्य, कुरु, यहाँ पर इंद्र प्रदेश आपको पूरा दिख जाएगा। इसके बाद गंधारा, यहीं पर तक्षशिला है आपको, कंबोज, यहीं पर हिंदुकुश की पहाड़ियाँ वगैरह हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा इस तरीके से, ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर जो आपको 1, 2, 3 नंबर लिखे हैं यहाँ पर कौन कौन से स्थित हैं इनको करना है, या तो फिर आप एक काम करना, एक मैप बनाना, मैप में जितने भी महाजनपद है उनकी लोकेशन आप खुद अपने हाथ से लिखना, जिससे आपको क्या है वो लिखते लिखते ही वो सब याद हो जाएंगे। एक बार देख के लिखना और सेकंड टाइम जब आप बनाओगे तो बिना देखे लिखना, जिससे आपको पूरे महाजनपद और उनकी राजधानी राजधानी के साथ लिखना, ठीक है, जिससे आपको वो आसानी से लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएंगे। ट्रिक से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग ने देख लिया कि असाका इसको हम लोग अशमक बोलते हैं, चेदी, बत्स, देखिए इसको आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इससे रिलेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कुछ कुछ शब्दावली है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ का जो प्रोविजन हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था, उसको जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब कि देखिए ये जैसे मैंने इंडिया बना दिया, ठीक है ठीक है, ये वाला इंडिया वाला पूरा रीजन बना रहा हूँ मैं आपको। देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा था ये नॉर्थ रीजन था और नीचे वाला था साउथ इंडिया, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो जो नॉर्थ इंडिया था, उत्तरी भारत था, उसमें जो प्रोविजन था प्रांत को क्या बोला जाता था, प्रांत को भुक्ति बोला जाता था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। भुक्ति कहाँ बोला जाता था, ऊपर साइड, मतलब कि उत्तर भारत साइड, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। और जो साउथ इंडिया में बोला जाता था मंडलम, डिवीजन को बोला जाता था विषया, जो कि भोगा भी बोलते थे, और साउथ इंडिया साइड कोट्टम या बलनाडु बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो जिला है, जिले को क्या बोला जाता था, अधिष्ठानम या पटरन या, और जो साउथ इंडिया में नाडू बोला जाता था। देखिए नाडू का मतलब क्या होता है, एक जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, और इसी के नाम पे क्या बसा हुआ है, एक तमिलनाडु हमारा राज्य भी है, वहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा बोलते थे, तमिल भाषा प्रमुख थी, इसलिए वो नाडू को तमिलनाडु बोलने जाने लगे। इसके बाद तहसील को क्या बोलते थे, और बीटीस बोलते थे, और पटाला और कुरम जो बोलते थे साउथ इंडिया में इसको बोलते थे। इसके बाद जो है और शब्दावली जो है प्रमुख है यहाँ पर, जैसे कि लोहित अयस्क, देखिए जो लोह अयस्क हिंदी में लोह अयस्क और हिंदी में इसको लोहित अयस्क बोलते हैं हम लोग, तो जो कॉपर है कॉपर को लोहित अयस्क बोला जाता था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आयरन है, लोहा है, लोहे को श्याम अयस्क बोला जाता है। उसके बाद जो वणिक शब्द यूज होता था उस समय, तो वो वणिक शब्द यूज होता था ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए, ठीक है। जो ग्रामीणी वर्ड है, ग्रामीणी वर्ड जो गांव का हेड होता था उसके लिए यूज करा जाता था। उसके बाद जो भागा दुघा जो वर्ड था वो टैक्स कलेक्टर के लिए यूज किया जाता था। और जो स्थपति था वो चीफ जज हुआ करता था। देखिए जो चीफ जज, जैसे आज भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI वगैरह होते हैं, तो वही जो चीफ जज है वो स्थपति के लिए यूज किया जाता था। टक्सन जो कि कारपेंटर था, और जो निष्क था, निष्क जो एक मुद्रा थी, मुद्रा की एक इकाई थी, ठीक है, यूनिटी। उसके बाद स्थाना, ये भी एक करेंसी की यूनिटी। पण शब्द यूज होता था उस समय एक कॉइन के लिए, एक सिक्का, जैसे हम लोग आज वर्ड यूज करते हैं ना कि आपके पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, तो वो सिक्का की जगह वहां पर पण यूज करते थे। उसके बाद जो बात करें, जो सृष्टि था वो गोल्ड के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब कोई मंडली वगैरह होती थी उस मंडली के लिए जो गोल्ड वर्ड यूज़ किया जाता था। उसके बाद बिहारा जो कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री होती थी, बिहार का मतलब होता है घूमना फिरना इधर उधर, ठीक है, बिहार करना। चैत्य वर्ड जो था वो सैक्रेड एनक्लोजर था। इसके बाद बात करें जो प्रदीक्षिका था, प्रदीक्षा वर्ड यूज़ किया जाता था हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था, जो कि आज के समय में आप लोग IAS या DM बोल सकते हो, उसको बोला जाता था प्रदेशिका, ठीक है। और नगर का जो था वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाता था। और इसके बाद ज्येष्ठ का चीफ्स ऑफ गोल्ड, मतलब कि जो मंडली का प्रमुख होता था उसको ज्येष्ठ का बोला जाता था। उसके बाद प्रथम कुली का जो चीफ ऑफ आर्टिशियन था, ओपारिका जो कि गवर्नर ऑफ भुक्ति, जो कि आज भी गवर्नर आप देखते हो ना, तो वो गवर्नर जो होते हैं वो प्रोविजन प्रांत या
प्रदेश के होते हैं, तो उनको ये प्रमुख को क्या बोला जाता था, बोला था उपारिषिका। उसके बाद दिदिशु जो कि रिमेरिड वुमेन हुआ करती थी, अमात्य जो कि हाई ऑफिशियल हुआ करता था, और दिविजय जो कि इनिटेशन इनटू एजुकेशन हुआ करता था, युक्त रेवेन्यू ऑफिसर इन द मौर्यन पीरियड। और उसके बाद राजुकाश लैंड मेजरमेंट एंड फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू वाला हुआ करता था। उसके बाद जो सभा होती थी असेंबली ऑफ फ्यू सिलेक्ट वंस, और उसके बाद समिति हुआ करती थी लार्ज असेंबली। देखिए आज भी जो आपको देखते हो राज्यसभा लोकसभा, फिर उसके लिए स्थायी समितियां होती है अस्थायी समितियां होती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको आपको यहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है धर्म महामात्य मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ द वाई अशोका, जो अशोका द्वारा एक पोस्ट बनाई गई थी वो था। ओके तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इससे रिलेटिव कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी थी, तो वो है उदयन। ठीक है, बी आंसर इसका सही आ जाएगा। और जिनका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, वो अवंतिका था। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन थी, गिरिराज राजगृह। इसको आप ध्यान रखना, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ठीक है, तो वो उदयन है। ठीक है, उसके बाद बात करें 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है आपके अंगुत्तर निकाय में, पहले ही मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो अगला हमारा आता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वो तो नंद के द्वारा किया गया था, घनानंद के द्वारा। अगर ये आपने वाला ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपको जो है पूरे महाजनपद याद हो गए होंगे। देखिए इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, आपको अगर एक का भी मालूम है ना तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मेरे को अभी जैसे ये सबसे पहले मेरे को याद आ रहा है कि वत्स के बारे में, बाकी याद तो सब आ रहा है। तो वत्स की जो राजधानी थी वो क्या थी, वो कौशाम्बी थी। ठीक है, तो डी का टू, ठीक है, डी का टू किस में है वो आपको सेकंड में दिखेगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही आ जाएगा। देखिए इस टाइप के सही जोड़ी मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं ना, वो काफ़ी आसान रहते हैं और इजी भी रहते हैं, आपको अच्छे समझ में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन से ग्रंथ में जो है इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, और हम लोगों ने बात करी थी जो जैन ग्रंथ है उसमें कौन सा ग्रंथ था, वो था भगवती सूत्र। ठीक है, उसको आप ध्यान रखना। इसके बाद मगध की राजधानी नहीं रहा है, तो वो कौशाम्बी है जो कि मगध की राजधानी नहीं रहा है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद हम लोग इसी की वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये सारे महाजनपद इनके नाम सुनने को मिलेंगे, और वहाँ पर आप जो इन नाम को सुनोगे तो आपको वो नाम नए नहीं लगेंगे। ठीक है, इसी बहाने आपको ये वीडियो से ये महाजनपद आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्सों के साथ, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने का फिर कारण भी बताइए, मैं अगली बार उसको जो है सुधारने की कोशिश करूंगा अपनी गलतियों को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।